हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टोजाइम टैबलेट के बारे में। ये जो है डाइजेस्टोजाइम टैबलेट है, जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है और नेचुरल और सेफ है। ये नेचुरल, इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट शामिल किया गया, जितने भी कंपोजिशन है, सभी के सभी जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट है और पूरी तरह से सेफ है। इसका किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये जो टैबलेट है, ये एंजाइम टैबलेट है जो कि आपके पाचन क्रिया को सुधार करेगा। जब भी किसी व्यक्ति को जो है पाचन तंत्र रिलेटेड कोई समस्या हो जाता है, पाचन में कोई गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो है व्यक्ति को भूख नहीं लगता है या जो है खाना खाते ही पेटू में दर्द होने लगता है, खाना खाते ही दस्त लग जाता है, ठीक है, या ऐठन मरोड़ होता है जब भी, या हमेशा जो है पेटू में गैस बनता है, पेट दर्द रहता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, या कोई दवा लिए हैं और उसका जो है ओवरडोज के कारण जो है आपके शरीर में जो है पेटू में जो है पॉइजन जैसा हो गया है, ड्रग ओवरडोज ड्रग पॉइजन की समस्या हो गया है, उन सभी कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करता है। भोजन को पचाने में मदद करेगा। जो आप खाना खाते हैं, खाना पचता नहीं है, डायरेक्ट जो है दस्त लग जाता है, तो कमजोर पाचन को ठीक करेगा, हार्ट बर्न की समस्या को ठीक करेगा, अपच जैसी समस्या हो, पेट फूलना, भोजन के तुरंत बाद पेटों में गैस बनना, या हमेशा दिन भर जो है पेटों में गैस बना रहता है जिसके कारण भूख नहीं लगता है, उन सभी समस्या को ये ठीक करेगा, आपके पाचन तंत्र को सुधार करेगा, पाचन की गड़बड़ी होगा उन सभी समस्या को ये ठीक करेगा। बात करें कितनी मात्रा में लेना है, तो देखिए जो एडल्ट व्यक्ति है उनमें एक एक टैबलेट दिन में 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पे दिन में 2 टैबलेट भी, मतलब 2-2 टैबलेट भी दिन में 2 से 3 टाइम दिया जा सकता है, यानी 2 टैबलेट सुबह में, 2 टैबलेट दोपहर में और 2 टैबलेट रात में जो है ले सकते हैं। आप इसे खाना खाने के बाद लेना है, मतलब ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर पहले भी दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खाना खाने के बाद ही इसको लीजिए। बात करें इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो देखिए इसका किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये पूरी तरह से नेचुरल है, नेचुरली मेडिसिन है, बोल सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो किसी भी प्रकार के इसका जो है साइड इफेक्ट नहीं है। बात करें ये टैबलेट लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो देखिए 12 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनमें ये टैबलेट नहीं देना है, ठीक है, देना भी हो तो डॉक्टर की सलाह ले लीजिए और इसे ज़्यादा लंबे समय तक यूज ना करें। आप इसे महीना दिनों तक यूज कर सकते हैं, 20 से 30 दिन तक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में ये ना दीजिए, इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। और ओल्ड एज के जो पेशेंट है, व्यक्ति है, उनमें दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दवा लेने के बाद किसी भी प्रकार के लगता है कि आपको सूट नहीं कर रहा है, अच्छा मतलब यूज कर रहे हैं और कोई फायदा न लग रहा है, तो आप ये दवा यूज ही ना करें, तुरंत बंद कर दीजिए, आप ये दवा इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये था डाइजेस्टोजाइम टैबलेट की संपूर्ण जानकारी। अगर इस वीडियो से नॉलेज मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए।